हे एवरीवन, मैं प्रिया कुक विद प्रिया अंशुष में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत हेल्दी सा नाश्ता जो कि बहुत झटपट बन जाएगा और इसमें मैंने बहुत सारी वेजेस डाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए मैंने एक आलू लिया है, इसको ये मैंने बॉइल्ड ले लिया। नॉर्मल आलू को मैंने छील लिया था और इसको छील के धो के इनको इसको एकदम अच्छे से वॉश कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कुछ वेजीज लिए जैसे पालक, गाजर, प्याज, धनिया पत्ती, ये सब हरी मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग अपने मनपसंद वेजीज ले सकते हो। तो जो मैंने आलू को कद्दूकस किया था ना, उसके अंदर हम डालेंगे प्याज, धनिया पत्ती, पालक, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर, सारी वेजीज डाल देंगे इसमें। और ये मैंने 2 चम्मच लिया सूजी इसके अंदर, इससे ना बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा सूजी डालने से। बस नाश्ता बना के ये जो पालक की पत्तियां ना, इनको भी मैंने एकदम अच्छे से धो के और फिर इनको अच्छे से मतलब कट करके यूज़ में लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे, पहले तो मसाले डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, ये मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप लेमन भी डाल सकते हो इसमें थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच दही, ये मैंने दही लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैटर ऐसा मतलब लगेगा, ये बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, नॉर्मल है। अब मैंने ना एक पैन लिया है, उसको मैंने ऑयल से पहले ग्रीस कर दिया था। इसको ना हम बहुत कम तेल में बनाएंगे। मैंने दो बूंद मैंने तेल से डाली थी और उसको ब्रश से ग्रीस कर दिया। और फिर अब हम इसमें ना 1 चम्मच हमारा ये बैटर लेंगे और इसके अंदर ना ऐसे प्रेस करके इसको अच्छे से फैला देंगे पैन में। ये हम छोटे छोटे से वेजीज के पैनकेक बना रहे हैं, ये देखिए। इनको हम एकदम मतलब मीडियम फ्लेम के अंदर कुक करेंगे। ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना ऐसे वेजीज, ग्रीनी ग्रीनी सी। इनको हम दोनों साइड तक एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को फटाफट। तो ये जब तक बन रहे थे ये हमारा जो पैनकेक्स है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक जब चाय भी चढ़ा दी जाए, गरम गरम पैनकेक्स के साथ चाय, क्रिस्पी क्रिस्पी ये पैनकेक्स बनेंगे। तो ये एक तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुके थे तो मैंने इनको पलट दिया था, मतलब 2 मिनट के लिए इनको सेका, तो ये थोड़े से मतलब इनका कलर चेंज हो गया देखो पहले से। तो मैंने इनको पलट लिया और ये दोनों तरफ से सिक चुके थे, देखिए ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है और एकदम अंदर से एकदम सॉफ्ट है खाने के अंदर, तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा, आप ट्राई ज़रूर करना। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। थैंक यू।